आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कमांड के जरिए पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। हम लोग जो पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद, सिर्फ हम लोग राइट क्लिक करके फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करके पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हैं। ये तो बेसिक फॉर्मेट होता है। इससे जो पेन ड्राइव के अंदर जो वीडियोस, मूवी या जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आप लोग डिलीट कर पाते हैं, हम लोग डिलीट कर लेते हैं। इसमें कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन पेन ड्राइव को हम लोग और भी बहुत से काम के लिए यूज करते हैं, जैसे बूटेबल डिवाइस बनाते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग उसके अंदर विंडोज डालते हैं पेन ड्राइव के अंदर। तो ऐसे बहुत से काम के लिए हम लोग पेन ड्राइव को यूज करते हैं। बहुत से टाइम हम लोग हमारा जो पेन ड्राइव है वो ब्लॉक हो जाता है। तो पेन ड्राइव जब ब्लॉक हो जाता है उस टाइम आप नॉर्मल फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे तो पेन ड्राइव आपका फॉर्मेट नहीं होगा। उस टाइम आप लोगों को कमांड का यूज करना होगा। कमांड का यूज करके आप लोग प्रॉपरली आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक पेन ड्राइव को कमांड के जरिए फॉर्मेट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल पे क्लिक करो हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा एंड इस सर्च के अंदर हम लोगों को लिखना होगा CMD, उसके बाद एंटर कर देना है एंड ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो कुछ इजी स्टेप्स है जो आप लोगों को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना होगा डिस्क पार्ट, उसके बाद एंटर कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर ES के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो भी काम है हम लोगों को इसके अंदर ही करना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना है लिस्ट डिस्क एंड एंटर कर देना है। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी स्टोरेज कनेक्टेड है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्क 0 है ये मेरे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, और जो डिस्क 1 है 14 GB जो शो कर रहा है वो पेन ड्राइव लगा हुआ है। तो हम लोगों को सेकेंड जो पार्टीशन है, सेकेंड जो डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, उसको ही सिलेक्ट करना है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर टाइप करना होगा सिलेक्ट डिस्क एंड यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है डिस्क 0 डिस्क 1 वो आप लोगों को केयरफुली देखना है कौन सा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे 1 लिखना है क्योंकि मुझे इस डिवाइस को, इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है। तो उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है। एंटर करने के बाद मेरा जो डिस्क है वो सिलेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद जो टाइप करना है वो है क्लीन एंड उसके बाद एंटर कर देना है। तो उसके बाद हमको भी पार्टीशन बनाना है इसके अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा टाइप करना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज मैं मेंशन कर दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी करके भी कर सकते हो। एंटर कर देना है। उसके बाद इस जो पार्टीशन बना है जो पेन ड्राइव के अंदर उसको फॉर्मेट करना है। तो उसके बाद यहां पर हम लोगों को टाइप करना है फॉर्मेट। फॉर्मेट टाइप करने के बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद fs इक्वल टू ntfs लिख के एंटर कर देना है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपका जो स्टोरेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पीड आपका कंप्यूटर कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर 0% कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ पर 100% कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जा पाएंगे। 1% कंप्लीट हुआ है। तो 100% कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या करना है। आप लोग देख सकते हैं 100% कंप्लीट हो चुका है। गाइस जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा पेन ड्राइव ओपन हो चुका है। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को शेयर करना मत भूलिएगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए हर दिन ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।